इस रविवार के दिन फाइट द बाइट मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जोन 4 अंतर्गत कुर्सीपार में स्थित आईटीआई के बालक एवं बालिका छात्रावास में ड्राई डे मनाया गया। नगर निगम की टीम दिन में 10 बजे पहुंचकर सभी कमरों सहित पूरे प्रांगण में स्पेयर पंप द्वारा पानी मिश्रित मेलाथियन का छिड़काव कार्य संपादित किया गया। इस अभियान के तहत बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल के सभी कमरों में कूलर, गमले, पानी का टब आदि को खाली किया गया। छत पर बरसाती जमाव पानी में जला ऑयल का छिड़काव किया गया। छात्रावास में निवासरत सभी बालक एवं बालिकाओं को प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन ड्राई डे मनाते हुए सभी संग्रहित किए गए पानी पात्रों को साफ कर सुखा कर ही नया पानी भरकर उपयोग करने की समझाइश दी गई। छात्र छात्राओं को समझाइश दी गई कि छात्रावास के प्रांगण में कहीं भी बरसाती पानी का जमाव नहीं होने दें। वर्षा के जमे हुए पानी में जला ऑयल का छिड़काव करें। छात्रावास के प्रांगण में पड़े अनावश्यक अनुपयोगी कबाड़ पात्र को तत्काल हटवाया करें ताकि बरसाती पानी का जमाव न हो सके। आप लोगों को नगर निगम की गाड़ी आएगी। आप लोगों को क्या काम करना है, जो घर यहाँ से निकलने वाला कचरा है, दो तरह कचरा निकलता है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। जो गीला कचरा उससे क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। तो आप लोग गीले कचरे को अलग डब्बे में डालना, और जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा जैसे पेन का रैपर है, कागज है, पुट्ठा है, और सब चीज, पेन का पेन है, पुराने पेन है, सब कुछ है, ऐसी चीज, प्लास्टिक है, झिल्ली है, इसको अलग डालना। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो सूखा कचरा है वो रिसाइकिल होकर पूरे उपयोग में आ जाएगा। चाहते हो ना रिसाइकिल हो, हाँ रिसाइकिल होगा फिर काम आ जाएगा। और गीला कचरा सूखा कचरा एक साथ मिला के डाल दे तो क्या होता, बेकार हो जाता है, उपयोग नहीं करोगे ना सब लोग। तो आपके लिए यहाँ से डस्टबिन रखा हुआ है, और भी रखा देंगे, और आप लोग उसमें अलग अलग डालोगे, ठीक है। थैंक यू सर। फाइट द बाइट अभियान चल रहा है कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार। कमिश्नर सर हमारे बड़े उसमें संजीदा हैं। हर रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक फाइट द बाइट चल रहा है। इस बार हम लोगों ने जगह चुना था आईटीआई, औद्योगिक आईटीआई पावर हाउस को चुना था, जहां पर हमारी टीम गई थी जा कर के बॉयज़ हॉस्टल में और गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों ने जाके किया। और आपको बताऊँ, चूँकि गर्ल्स हॉस्टल है तो सबको अलाउ नहीं रहता है, तो हम लोग बाहर से ही सब काम किए, अंदर में लड़कियाँ जाकर अपना अपनी सफाई की। जब उनका वार्डन आ गई तो हमारी टीम जा कर के जो प्रमुख है वहाँ सफाई किया। और अच्छा है, मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चूँकि ये जो अभियान है ना, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, आपको अपने घर की सफाई खुद करनी है। एक दिन तो है, कितने बजे, 10 से 11 बजे तक सभी लोग सफाई करें, ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे मतलब जो भी आपके यहाँ कूलर में, गमले में, टायर में, जहाँ भी पानी जमा होता है उसको आपको साफ करना, साफ करके गिरा देना, गिरा के सुखा के पानी भरना, यही है ड्राई डे। आप भी मनाओ, हम भी मनाओ। अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और डेंगू मलेरिया मुक्त बनाए रखने में अपना अमूल्य सहयोग करने की अपील नगर निगम भिलाई के द्वारा की गई है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।